शिवपुरी जिले का करेरा और नरवर तहसील क्षेत्र अवैध रेत का हब बन चुका है। बता दें कि यहां रेत माफिया राजस्व और वन क्षेत्रों से रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन करने में लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद अब जिला कलेक्टर रविंद्र चौधरी और खनिज अधिकारी प्रमोद शर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्र का प्रभार सोनू श्रीवास निरीक्षक को सौंपा है। जानकारी के अनुसार श्रीवास ने प्रभार मिलते ही दल बनाकर औचक निरीक्षण कर कचहरा के सिरसोना में अवैध रेत के साथ पनडुब्बी जब्त कर कार्रवाई की है। वहीं दूसरी ओर नरवर तहसील क्षेत्र के मगरौनी में बिना रॉयल्टी के अवैध रेत से भरे हुए दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर कार्रवाई कर मगरौनी पुलिस चौकी को सुपुर्द किया। शिवपुरी से कमर अहमद की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से बराबर इस क्षेत्र से अवैध उत्खनन के परिवहन की शिकायतें आ रही हैं, तो कलेक्टर आदरणीय कलेक्टर महोदय और आदरणीय खनिज अधिकारी महोदय के निर्देश से उनका आदेश प्राप्त हुआ कि क्षेत्र का भ्रमण करें और अवैध उत्खनन परिवहन पर रोकथाम की कार्रवाई करें। तो आज आकस्मिक क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के दौरान हमें रास्ते में जो भी अवैध परिवहन करते हुए मिले उन पर कार्रवाई करते हुए अवैध प्रकरण का प्रकरण पंजीबद्ध करके थाना मगरौनी की सुपुर्दगी में दिया गया है और आगे की कार्रवाई कलेक्टर महोदय के अंदर में की जाएगी।